प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के छोटे दुकानदारों और रोजगार करने वालों को बड़ा तोहफा दिया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 तक का कर्ज दिया जा रहा है। इसी योजना के लाभार्थियों से पीएम मोदी ने मंगलवार को संवाद किया। प्रधानमंत्री बोले कि इस योजना के तहत सबसे अधिक आवेदन यूपी से ही आए हैं और यूपी में तेजी से कर्ज को मंजूरी दी जा रही है। गरीब के नाम पर राजनीति करने वालों ने गरीबों को लोन ना देने का माहौल बनाया था और खुद घोटाले करने वालों ने बेईमानी का ठीकरा गरीबों पर फोड़ा है। पीएम मोदी ने इस दौरान डिजिटल लेन देन के लाभ बताए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज कम पढ़े लिखे लोग जो दिहाड़ी रोजगार का काम करते हैं उन्हें भी बिना किसी दिक्कत के बैंक से कर्ज मिल रहा है ताकि वो अपना काम आगे बढ़ा सके। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना ने दुनिया पर हमला किया लेकिन भारत में गरीबों ने इसका डटकर सामना किया। पीएम बोले कि आज योजनाएं जमीन पर उतर रही हैं और लोगों की आकांक्षाएं पूरी हो रही हैं। आगरा की प्रीति से पीएम मोदी ने बात की। प्रीति ने बताया कि लॉकडाउन के वक्त काफी परेशानी हुई थी, इस बीच हमें नगर निगम की तरफ से मदद मिली और फिर से हमने अपने काम को शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने पूछा कि नवरात्रि में फल की बिक्री अधिक हुई होगी। साथ ही पीएम मोदी ने डिजिटल ट्रांजैक्शन करने की तारीफ की। पीएम ने इस दौरान भरोसा दिलाया कि अफसर आपसे मिलकर समस्याओं को दूर करेंगे। पीएम मोदी के संवाद के दौरान प्रदेश के 651 नगर निगम के 3,00,000 रेहड़ी पटरी वालों, 3,00,000 छोटे दुकानदारों को ऋण दिया जाएगा। साथ ही पीएम का संवाद सीधे 5,00,000 लाभार्थियों से होगा। आपको बता दें कि कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से रेहड़ी पटरी वालों की आजीविका पर असर पड़ा है। केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों की मदद के लिए स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को की थी। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए तक लोन मिलता है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 24,00,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 12,00,000 आवेदकों को मंजूरी दी जा चुकी है और लगभग 5.35 लाख के ऋण वितरित किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 6,00,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 3.27 लाख को मंजूरी दी जा चुकी है और 1.87 लाख का ऋण वितरित किया जा चुका है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।